अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीएनएन पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको पहुंचा रहे हैं और ये खबर है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अलामा खादिम रिजवी साहब के हवाले से। खादिम रिजवी साहब अब से कुछ देर पहले जो हैं वो वफात पा गए हैं। 3-4 दिन से शदीद उनको बुखार था। उसके साथ साथ हम आपको ये भी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बता दें कि खादिम रिजवी साहब तहरीके लब्बैक का जो धरना था, जो पहले मार्च उन्होंने किया इस्लामाबाद की तरफ, फ्रांसीसी जिनके जो मुतालबात थे 3-4 जो उन्होंने मुतालबात किए, फिर ये जैसे वहाँ उनकी जो रैली आई लियाकत बाग से काफ़ी पथरा हुआ, पुलिस के साथ तसादम हुआ, जिसके बाद फिर फैज़ाबाद के मकाम पे जो है तहरीक लब्बैक उसके कारकुनों ने और क़यादत समेत जो है वो वहाँ पे उनके जो बेटे हैं साद रिजवी साहब वो भी इस धरने में शामिल थे। तो यहाँ पे आकर उन्होंने धरना दे दिया फैज़ाबाद के मकाम पर, और फैज़ाबाद जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो जगह है बिल्कुल वस में जगह है, वहाँ पर उन्होंने 2 दिन धरने दिए रखा। और जो 4 शरायतें रखी वो भी मैं आपके सामने बता दूँ। जो पहली शरायत वो रखी गई वो उसमें ये था कि 2-3 महीने के बाद जो गवर्नमेंट के साथ 2-3 महीने के बाद जो गवर्नमेंट है वो फ्रांस का जो सफीर है पाकिस्तान में उसको निकाल देगी कानून साजी करने के बाद। जो दूसरा मुतालबा था वो था पाकिस्तान का कोई सफीर फ्रांस में नहीं लगाया जाएगा। और जो तीसरा मुतालबा था वो था कि कारकुनों की रिहाई के हवाले से, क्योंकि जो तसादम हुआ पुलिस और तहरीक लब्बैक के कारकुनों के दरमियान, उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो काफ़ी तादाद में लोग, क्योंकि दोनों साइड से काफ़ी पथराव भी हुआ, वहाँ पर रबड़ की गोलियाँ भी चलाई गई, शेलिंग भी हुई, तो जिसके नतीजे में कारकुन जो कारकुनान थे तहरीक लब्बैक के उनको गिरफ्तार किया गया। वो मुआहदे के बाद उनको भी रिहा कर दिया गया, जिसकी तस्दीक DC रावलपिंडी ने भी की। साथ जो चौथा मुआहदा जो तय पाया था खादिम रिजवी साहब के हवाले से, जो उनकी जमात ने वो जो फ्रांस की मंसूआत हैं उनका बाइकाट के हवाले से, ये 4 जो मुतालबात थे ये मुतालबात हुकूमत ने माने तस्लीम किए, जिसके बाद जो खादिम रिजवी साहब हैं और उनकी जो जमात और उनके जो कारकुनान हैं उनके जो चाहने वाले हैं वो फिर उन्होंने फैज़ाबाद जो धरना है वो रात 2:30 बजे वो ख़त्म कर दिया। तो ये आखिरी उनका जो विज़िट था इस्लामाबाद के हवाले से, जो धरना था ये उनका आखिरी था। पहले उन्होंने धरना 2017 में दिया, 3 साल के बाद आए और वो भी नवंबर का महीना था। तो अभी जो मैम सिचुएशन आपके साथ जो सामने आपके साथ खबर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी जो ख़ानदानी उनके ज़राए से भी हमारी बात हुई है, तो उनका भी कहना है कि जब इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए खादिम रिजवी साहब तो उस वक्त भी उनकी तबीयत कोई बेहतर नहीं थी। उसके बाद उनको 3-4 दिन मुसलसल टम्परेचर था, बहुत तेज़ बुखार था, फिर एक निजी हॉस्पिटल में लाहौर में वहाँ पर एडमिट रहे, फिर उनकी ज़्यादातर ये जो है वो ख़राब हुई, जिसकी वजह से खादिम रिजवी साहब को फिर शेख जैद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आज सारा दिन उनकी जो तबीयत है उस हवाले से भी काफ़ी वो क्रिटिकल रही, उनको वेंटिलेटर की भी खबरें आ रही हैं कि उनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया। कारकुनान की जब ये सारा पता चला कारकुनान के हवाले से, चूँकि लाहौर में है तो लाहौर में चूँकि उनकी जो सियासत का आगाज़ है वो भी लाहौर से ही है, उस पर भी थोड़ा सा हम आपको उनके एक दफ़ा फिर आपको बता देंगे खादिम रिजवी साहब के हवाले से कि उन्होंने अपनी सियासत का जो आगाज़ है वो 2017 में किया। सितंबर 2017 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा NA 120 में, जिसमें उन्होंने 7,000 के करीब उन्होंने वोट भी लिए, जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी। ये पहली दफ़ा उन्होंने लाहौर में जब एंट्री की और 7,000 वोट ले लिए, तो एक बहुत बड़ा जो बाकी पोलिटिकल पार्टी थी उनके लिए एक बहुत बड़ा एक
चैलेंज समझ के ये सामने आए, चैलेंज समझ के ये सामने उभर के आए। खादिम रिजवी साहब ने चूँकि वहाँ पर उन दिनों में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो एक तंजीम कानून साजी हुई तौहीन मज़हब के हवाले से, जिस पर उन्होंने एक स्टैंड लिया, वो एक मौक़िफ़ रखते थे, वो चाहे तौहीन मज़हब के हवाले से हो या रसूल अकरम सल्लम के हवाले से हो, तो उन्होंने इस हवाले से भी काफ़ी जो हैं वो आवाज़ उठाई है। इसी वजह से फिर जब उनकी जो मुतालबात थे उस वक्त, फिर उन्होंने रुख किया इस्लामाबाद का, फैज़ाबाद के मकाम पे ही 2017 में उनका धरना इधर रहा, जिस तरह नाजरीन फिर एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें फिर तय पाया जो कानून साजी की जाएगी और जो शिकें निकाली गई हैं तौहीन मज़हब के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से, वो ख़त्म की जाए और जो प्रॉपर जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 73 का है उस हवाले से वो अपनी जगह इसको बिल्कुल ना छेड़ा जाए। इसको ये इनके प्रेशर की वजह से फिर हुकूमत ने इनके साथ जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उन्होंने उस वक्त 2017 में भी मुआहदा वो किया। जनाब अलामा खादिम रिजवी साहब के हवाले से ये 1966 को 22 जून 1996 को अटक का एक गाँव है वहाँ पे पैदा हुए। इनके जो वालिद हैं उनका नाम हाजी लाल खान है और इन्हें जो इब्तदाई तालीम है वो दीना जेलम में वो उन्होंने वहाँ पे हासिल की। उसके बाद इन्होंने जो है लाहौर का रुख किया, वहाँ पे इन्होंने रिजविया जो मदरसा वहाँ पे इन्होंने दरस निज़ामी का इन्होंने कोर्स मुकम्मल किया। दरस निज़ामी एक डिग्री है, तो वहाँ पे फिर ये एक मकामी मस्जिद में वहाँ पे खतीब थे अलामा खादिम रिजवी साहब। ये तमाम तर नाज़रीन आपको बताने का मकसद है उनकी थोड़ी सी हालात ज़िंदगी के हवाले से, उनका एक अपना अंदाज स्टाइल था, उनके ऊपर काफ़ी मुख्तलिफ जो है पार्टीज़ उन पर इल्ज़ाम भी लगाती रही हैं कि उनको फंडिंग कौन करता है इस इतनी बड़ी जमात, क्योंकि चंद दिनों में ये जमात बड़े प्रेशर के पूरे मुल्क में ये फैली है तहरीक लबैक पाकिस्तान, तो इनको सपोर्ट कौन करता है। तो उसमें जब हमने इसकी खोज हमने इसका खोज निकाला तो पता चला कि कुछ लोग जो मकामी जो हैं अंदरूनी पाकिस्तान से भी इनको सपोर्ट करते हैं, जो कि मजहबी तबके, क्योंकि बरेलवी मसलक में इनका एक बड़ा बहुत बड़ा नाम था, एक एग्रेसिव इनका जो स्टाइल अपना अंदाज था वो उभर के सामने आया, और बैरून मुल्क से भी इनको काफ़ी लोग जो हैं वो पसंद करते हैं और इनको इनकी जमात को सपोर्ट भी करते हैं हमने देखा। और ख़ास तौर पर जो मेजॉरिटी पाकिस्तान में आप कह लें कि जो गद्दी नशीन हैं जो उलमा हैं वो इनकी तायद करते नजर आए, इनकी सपोर्ट करते नजर आए, बल्कि अभी जो धरना है फैज़ाबाद के मकाम पर इसमें भी काफ़ी तादाद में जो लोग हज़ारों के हिसाब से लोग जो इनके साथ आए। और यहाँ पे एक इन्होंने जो अपने मुतालबात थे जो इनका मौक़िफ़ था फ्रांस के हवाले से वो इन्होंने पेश किया। ख़ास तौर पर जो इनकी अगर थोड़ी सी अंदाज़े बयान करें, अंदाज़े बयान भी इनके कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अब तो खैर वो एक किस्सा एक यादगार के तौर पे, ख़ास तौर पर जो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी अपनी वो राय देते थे। और इसी हवाले से जो हॉलैंड में ख़ास तौर पर जो इन्होंने की जो कराची की स्पीच है उसमें भी इन्होंने बोला था कि हॉलैंड अगर मेरे पास एटम बम होता तो मैं हॉलैंड के ऊपर चला देता। इस तरह मईशत के हवाले से भी इनके जो हैं वो बड़ी दिलचस्प किस्म की, चूँकि इनका जो स्टाइल अंदाज था बड़े लोग जो हैं इनको सुनते थे, बड़े लोग जो है इनके महजूद होते थे, इनकी एक अपनी फॉलोइंग थी। थोड़े टाइम में अलामा खादिम रिजवी साहब जो है वो ऊपर उभर के आए, तो आज उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अलामा खादिम रिजवी साहब जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, ख़ानदान इजराए ने इस बात का कंफर्म कर दिया है। मज़ीद भी इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए आपका मेज़बान नसीर बुखारी इस अफसोसनाक खबर के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।